हेलो एवरीवन, दिस इज मी ज्योति सोनी एंड वेलकम बैक। आप लोगों ने बचपन से एक चीज लाइन तो सुनते ही आ रहे होंगे, जल ही जीवन है। ठीक है, जल है तो कल है, इस टाइप की बहुत सारी लाइनें सुनी हैं, सेव वाटर सेव लाइफ। तो जी हाँ, आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है। आज हम वाटर पढ़ने वाले हैं, तो वाटर पढ़ना है तो उससे पहले इस चैप्टर में देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले है हमारा हाइड्रोस्फीयर, और हाइड्रोस्फीयर क्या होता है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम लोग प्रीवियसली चैप्टर्स में भी हाइड्रोस्फीयर को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देन वाटर और हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल होता है ये क्या चीज होती है वो हम आप आगे समझेंगे। देन इम्पैक्ट ऑफ वाटर बॉडीज ऑन द क्लाइमेट कंडीशंस, तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी हैं। तो बिफोर हम चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। देखो, सबको पता है हमारी जो अर्थ है वहां पर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि अर्थ को यूनिक प्लेनेट ही कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर लाइफ है, और लाइफ है तो इसके लिए बहुत सारे जो फैक्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, एटमोसफियर है, ठीक है, एटमोसफियर है जहाँ पे हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है। अब देन वो तो मिलती है, फिर उसके साथ में हमारे पास में हाइड्रोस्फियर भी है, और हाइड्रोस्फियर का मतलब क्या होता है कि वो लैंड या वो सर्फेस जहाँ पर वॉटर अवेलेबल हो, इट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फियर। और हम लोग अर्थ वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे यहाँ पर जो वाटर बॉडीज होती है, हमारे यहाँ पर लिथोस्फीयर वो जहाँ पर लैंड है, ठीक है, और जमीन का मतलब धरती का वो हिस्सा जहाँ पर जमीन पाई जाती है तो उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, और जहाँ पर पानी पाया जाता है वो हमारा हाइड्रोस्फीयर होता है। और इसका जो मतलब सर्कल होता है, जो एरिया होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। और बायोस्फीयर भी आपको पता ही है क्या है, ठीक है, जहां पर सारे जीव जंतु जो है आपस में मिलजुल करके रहते हैं, इट इज कॉल्ड बायोस्फीयर, इन सभी के कनेक्शंस के साथ में। तो अर्थ के ये सारे फैक्टर्स इसको यूनिक बनाते हैं, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब हमें पता है कि हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है कि पूरी जो वाटर बॉडीज होती है उसी को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, या उस लैंड को हाइड्रोस्फीयर कहा है, ठीक है, लैंड नहीं, एक्चुअली वो सरफेस जो है वो हाइड्रोस्फीयर है। तो ये तो पता है कि पानी है, लेकिन पानी आता कहाँ से है, पानी जाता किधर है, तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं ना, वेयर दिस वाटर कम्स फ्रॉम एंड वेयर इट गोज, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और हम यही सोचते हैं कि बारिश होती है, ठीक है, हमारे पास में यही हमें सिस्टम पता है कि पानी आता है और हमारे में फिर धरती पर बहुत सारा पानी हमें मिल जाता है। तो चलो आज इसी साइकिल को हम पढ़ेंगे, और ये इसी को मतलब पानी कहाँ से आता है कहाँ जाता है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर साइकिल, या जो हाइड। तो अब हम पढ़ने वाले हैं वाटर साइकिल, ठीक है, सॉरी वो थोड़ा डिस्टरबेंस बीच बीच में हो जाता है। तो देखो, पानी आता कहाँ से है ये हमें देखना है। तो देखो, पानी जो है ये अपनी पोजीशन में कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है, वाटर कंटिन्यूअली चेंज इट्स फॉर्म, जिसका फॉर्म होता है तो उसको चेंज होते रहता है। अब ये कैसे प्रोसेस, तो अब आपका पूरा फोकस जो है वो इस तस्वीर के ऊपर होना चाहिए जिसके थ्रू हम सारी प्रोसेस को समझने वाले हैं। देखो, पर हमारे पास में क्या है, ये वाटर है, ठीक है, तो अब ये वाटर क्या होता है, ये वेपोरेटेड हो जाता है और ये ऊपर की ओर निकलता है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो इमेज में, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है। द हीट ऑफ द सन वेपोरेट्स वाटर एंड इट चेंज इनटू वाटर वेपर, जैसे जो वाटर जो सन की हीट होती है तो वो पानी को क्या करता है, उसके वेपोरेशन में चेंज होता है, और ये हीट क्या करती है, इसको वाटर वेपर में चेंज करती है। अब जो वाटर वेपर्स है, ठीक है, ये बन गए वाटर वेपर, ये वेपोरेशन हुआ, वाटर वेपर ऊपर आते गए आता गया, मतलब ओस वाले जो फॉर्म है ना, जो आपको बाद में देखने को मिलता है, ये रिटर्न प्रोसेस में मैं आपको ओस में समझाऊंगी, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, ये ऊपर उठते जाते हैं और ये लैंड से क्या होता है, वेपोरेट होते हैं, वेपोरेशन फ्रॉम लैंड, और ये ऊपर जाकर के मॉइस्चराइज के इसमें बीइंग वार्म राइजेस हाई एंड ग्रेजुअली कूल डाउन एंड कोल्डनेस टू फ्रॉम क्लाउड्स, ठीक है। अब ये ऊपर जाते जाता है और ये क्लाउड्स के फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये कन्वर्ट हो गए, ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, जब फिर बारिश वाली प्रोसेस तो पता है कि अब ये पानी जो है, ये जो पानी की ओसे जो वाष्प गई है, जो वेपोरेशन गया है, तो ये ऊपर जा करके क्या होगा, ये बादल बन जाते हैं, और जब आपस में बादल दोनों तीनों टकराते हैं तो ये पानी की बूंदे वापस से टूट जाती है, और ये पानी की बूंदे क्या होती है, स्नो है ना, स्टोरेज इन आइस एंड स्नो, ये सारी चीजें वापस से जमीन पर आ जाती है, ठीक है, कभी ये पानी के फॉर्म में नीचे आ जाती है, कभी ओस स्नो के फॉर्म में नीचे आ जाती है। तो ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो चलते रहता है, ठीक है। अब जमीन पर आ जाती है तो उसके आगे की प्रोसेस तो आपको सबको पता है, द वॉटर वेपर बींग वॉर्म वो गर्म हो जाते हैं, राइसेज हाई एंड ग्रेजुअली कूल डाउन एंड
goodness to from cloud. These causes rain, snowfall, hailstorm and water returns to the earth falling on land or sea. अब ये पानी के फॉर्म में वापस आ जाते हैं. तो सिंपल सा प्रोसेस है कि ये जमीन पर है, ये देखो ये ओशियन है ना, एवेपोरेशन फ्रॉम ओशियन, ये ऊपर गए और फिर उसके बाद में ये वाली प्रोसेस से क्या होता है, ये रिटर्न नीचे आ जाते हैं. कभी ये स्टोरेज और स्नो के फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे कि हम कश्मीर वाले एरिया में देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो होता है. ठीक है, मतलब हम इंडिया के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, क्लियर. वहाँ पे आइसेस होते हैं बहुत सारे, तो ये चीजें दिखती है. या अभी विंटर्स आ रहे हैं, तो विंटर आ रहे हैं तो अब क्या होने वाला है कि विंटर्स में बहुत ज्यादा स्नो होती है सुबह सुबह. जब सुबह सुबह हम देखते हैं तो क्या होता है, हमें दूर की चीजें भी दिखाई नहीं देती, इतनी ज्यादा होती है. थोड़े टाइम में बाद में हम जब जैसे जैसे धूप निकलने लगती है तो वो क्या होता है कि जो स्नो दिखाई देता है वो हमें एकदम छोटी छोटी पानी की देता है. जैसे बिल्कुल ये जो वॉलपेपर में दिखाई दे रहे हैं, तो ये पानी के ड्रॉप्स जो है वो उस फॉर्म में दिखाई देने लग जाता है. तो ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअसली चलते रहता है. पता है कि रेन वाटर हम लोग किस तरीके से चेंज होता है, मतलब रिवर्स में आता है, फिर रिवर से बहते हुए वो क्या करता है, सारी रिवर आसपास की कलेक्ट करता है वो एक मेन रिवर में, और वो जाकर के ओशियन में आकर के गिर जाता है. ये भी हमें पता है. पूरा प्रोसेस होता है जो मतलब बार बार पानी से ओस बनना, वेपर बनना, वेपर से फिर पानी में कन्वर्ट होना, आइस में कन्वर्ट होना और स्नो में कन्वर्ट होना, तो ये सारी प्रोसेस कहलाती है वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको समझ में आया कि पानी आता कैसे है, फिर यही पानी वापस उठेगा, फिर जाएगा, फिर आएगा. द अवेबिलिटी ऑफ वाटर एंड इट्स वॉल्यूम वेरीज फ्रॉम अ प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम सीजन टू सीजन. ओके, फिर अब हम आगे बढ़े तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर. अभी हमने देखा कि पानी जमीन पर तो आ ही गया है, क्लियर, पानी जमीन पर आ चुका है. अब हमको उसको कंजर्वेशन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि जहां पर हमारे पास बहुत सारी चीजें तो होंगी लेकिन हम पानी नहीं बचाएंगे, तो पानी तो खत्म हो ही जाना है. इसलिए तो कहते हैं ना, सेव वाटर सेव लाइफ सेव ट्री, ये सारी चीजें, जल है तो जीवन है. तो ये वाला टॉपिक जो है वो मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है आप इतने इंटेलिजेंट और आपका IQ लेवल तो इतना है कि आप मेरे दिए हुए आंसर से बेस्ट आंसर क्रिएट कर सकते हैं, है ना. तो अब हम आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज. ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज देखना है. तो हम लोगों ने पहले भी देखा था, आपको याद होगा या 6th क्लास में हमने शायद ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, कि जब हम अर्थ पढ़ रहे थे, ठीक है, हमारे पास कुछ कॉन्टिनेंट थे और कुछ हमारे पास में वाटर बॉडीज थी जिसको हमने हाइड्रोस्फीयर कहा था. ठीक है, तो वो वाटर बॉडीज जहां पर पानी पाया जाता है, इट इज कॉल्ड वाटर बॉडीज या हाइड्रोस्फीयर. ठीक है, तो सभी को पता है कि वाटर बॉडीज कहाँ कहाँ पर है. एक बार मैं आपको ये इमेज एक्सप्लेन कर दूं, जो मैप है इसमें एक्सप्लेन कर दूं, देन हम इसको और डिटेल्स के साथ में धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं. ठीक है, हालांकि इसके इसमें तो हम पहले थोड़ा नॉर्मल वाला ही पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी देख लो, मैप देख लो, ये जो पूरा वर्ल्ड का मैप है, ठीक है, या हम ये कह ले कि अर्थ का हमने एक फोटो लेकर के रखा हुआ है, क्लियर. तो हमने कॉन्टिनेंट तो पढ़ लिए थे, हमारे पास कॉन्टिनेंट थे, हमारे पास में था एशिया, हमारे पास था अफ्रीका, हमारे पास में था साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, ये भी हमारे पास में थे. ठीक है, हमारे पास में ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है, हमारे पास में अंटार्कटिका था. तो अब ये तो हमारे पास में क्या हो गए, ये हमारे पास में जो कॉन्टिनेंट है, जो लैंड बॉडीज थी वो हो गई. अब हम हमारे वाटर बॉडीज ढूंढते हैं. ठीक है, यहाँ पर जब आप देखने जाओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, यहाँ पर आपका इंडियन ओशियन हो गया, यहाँ पर आपका आर्कटिक ओशियन हो गया, और यहाँ पर आपको एक देखने को मिलेगा साउथर्न ओशियन. ठीक है, जिसको उसमें काउंट नहीं किया गया है. तो चलो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं डिटेल के साथ में धीरे धीरे. Our Earth is also called the water planet. ठीक है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा planet है तो हमने इसको water planet भी कहा है. और हमारे पास 71%, आपने अगर ध्यान दिया हो तो हमारे पास 71% जो है हमारा जो Earth surface है उसके ऊपर only water पाया जाता है 71%, और remaining 21% पे हमारे पास में land है. ठीक है, अब ये जो 71% मतलब जो space है जिसके ऊपर पूरा water ही water पाया जाता है, तो ये किस form में है, एक तो ये ocean के form में होगा, ये के फॉर्म में होगा, हमारे पास में लेक्स है, रिवर्स है, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हमारे हमने पानी को क्या किया, कंजर्वेट करके रखा हुआ है, या वो नेचुरली सोर्सेज है. तो इसी सोर्स को हमने क्या कहा है, या जो वो वाटर बॉडीज है इसी को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. आप सभी लोग ये बात को जानते हैं.
अब हमने हमारी जो अर्थ है उसका 2/3 पार्ट जो है वो कवर है हमारे वाटर से, लेकिन इस 2/3 के इसमें से सिर्फ जो 3% है, देखो आपके पास में पूरा 71% वाटर बॉडी है, लेकिन क्या ये पूरा की पूरा 71% वाटर बॉडी जो है वो आपके लिए मतलब यूजफुल है? बिल्कुल भी नहीं है. क्यों? क्योंकि देखो ये ओशन के फॉर्म में जमा है और ये वाला जो पानी है ये आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड जाती है, ठीक है, जो आपकी बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है, आपके यूज टू नहीं है ये इतना ज्यादा. तो इसका जो सिर्फ 3% पानी है मतलब रिमेनिंग फॉर्म में बचता है, जैसे कि आपके पास में वेल्स हो गए, लेक हो गए, तो कुछ ऐसे फॉर्म्स है मतलब जो आपको सिर्फ वही पानी आप यूज कर सकते हो, ठीक है. येट द वॉटर फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज ओनली 3%, ठीक है. 97% ऑफ वॉटर ऑन द अर्थ सैलीन वॉटर एंड इट्स फाउंड इन ओशियन सीज विच इज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ठीक है. मतलब जो पूरा 71% का भी जो 97% है, क्योंकि अभी हमारे लिए 100% बन गया है और इसका 3% हमने ले लिया है और जो 97% है वो सैलिन वाटर है जो आपके यूज में नहीं आता है. और जो 3% ऑफ फ्रेश वाटर है, ठीक है, 3% ऑफ फ्रेश वाटर, उसमें से भी आपका जो 2% पानी है तो वो किस फॉर्म में है? 2% इज इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स ग्लेशियर एंड ओनली 1% इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सरफेस वाटर, जो जमीन पे हमारे पास में ना जो तालाबों में है, कुओं में है, जो आप यूज करते हो, तो वो पानी सिर्फ आपके पास में 1% है. तो अब आप सोचो कि जो 29% जो आपके पास में कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जो लैंड सरफेस है, तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को पानी पुराने के लिए आपके पास सिर्फ 1% वाटर है. तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप वाटर को सेव करके रखें और उसको अपने यूज में लेकर के आए, ठीक है. इसलिए इतना पानी होते हुए भी हमारे पास पानी की कमी है, आप यहीं से क्लियर कर सकते हैं इस चीज को. तो 2% जो पानी है उस 3% का भी 2% किसमें चले जाता है? आइस कैम्स में, ग्लेशियर्स में, है ना, तो ये भी हमारे यूज का नहीं है. तो जो रिमेनिंग 1% बचता है मिलेगा लेक में, मिलेगा ग्राउंड वाटर में, मिलेगा जो हमारे ट्यूबवेल्स में होता है. तो यही पानी जो है वो हमारे काम में आता है, ठीक है. ये वाला देखो, ओके, हाँ, तो यही पानी हमारे काम का है और हमें इस पानी को बचाना भी है. अब देखो आप यहाँ पर ये वर्ड जो मैप है, फिर से एक बार यहाँ की जो डायरेक्शंस है इसको ध्यान से देखो. हालांकि इसको मैं फिर से एक और बार आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट अब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आप इसमें नोटिस करेंगे. देखो यहाँ पर एक रेड कलर के एरोज जा रहे हैं और एक एरो जा रहा है ब्लू कलर का, राइट, और दोनों की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो फ्लो करती है. चलो अब आपने देख लिया तो हम आगे बढ़ते हैं. मतलब हम बात करने वाले हैं मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर. जी हाँ, जो हमारे समुद्रों का पानी होता है उसकी भी कुछ मूवमेंट होती है और ये सारी चीजें ना कहीं हमें भी इफेक्ट करती है, क्योंकि ये चीजें हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करती है, क्योंकि ये भी एक नेचुरल रिसोर्सेज ही है. तो जो वाटर बॉडीज है मतलब हमारी जो ओशियन वाटर बॉडीज है वो किसे सराउंडेड है? हमारे कॉन्टिनेंट से सराउंडेड है. एज यू कैन सी, देखो यहाँ पर आपका कॉन्टिनेंट आ रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पर आपका एक कॉन्टिनेंट आ सारी वाटर बॉडीज आपके कॉन्टिनेंट के को सराउंड करती है, मतलब पूरे की पूरी वाटर बॉडीज सराउंडिंग द कॉन्टिनेंट, मतलब कॉन्टिनेंट के बीच में आ जाता है. देयर आर 4 मेन ओशियन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. वैसे तो हम 5 को काउंट करते हैं बट इन्होंने, क्योंकि जो 5th वाला है वो कौन सा है? साउथर्न एशियन, ठीक है, जो यहाँ पर आपको ओशियन जो आपको देखने को मिलता है. देखो ये वाला जो एरिया आता है यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको साउथर्न ओशियन. तो फर्स्ट वन कौन सा? एक ओशियन मिल गया आपको यहाँ पर, ठीक है. फिर उसके बाद में यहाँ पर हमने देख लिया अटलांटिक, यहाँ पर आपको इंडियन मिल गया और यहाँ पर मिल जाता है हमें आर्कटिक ओशियन, ठीक है. तो ये हमारे 4 मेन थे और जो 5वां साउथर्न है जिसको हम मानते हैं दक्षिण महासागर, तो वो यहाँ पर आता है, ठीक है. दीज आर द पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन एंड 4th वन इज द आर्कटिक, और 5th को भी आपको याद रखना है द साउथर्न ओशियन, ठीक है. अब भाई ओशियन है तो ओशियन का इफेक्ट क्या हो सकता है? तो जितने भी हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं, मतलब हमारे जो कॉन्टिनेंट के जो कोस्टल एरिया है ना, कोस्टल एरिया बोले तो ये वाले, ठीक है, और ये वाले अब आप सभी का समझ जाओगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर हमारा ये अफ्रीका का हो गया, ये हमारा थोड़ा इंडिया वाला हो गया, ठीक है, इंडिया वाला, सॉरी सॉरी, ये ऐसा है.
कोस्टल एरिया तो हमारे पास यही है, ठीक है। तो इनके जो एरिया होते हैं कोस्टल एरिया वाले, तो ओशन के डायरेक्टली इफेक्ट पड़ते हैं यहाँ के क्लाइमेट के ऊपर, ठीक है। अब क्लाइमेट के ऊपर कैसे पड़ेंगे ये भी हम थोड़ा सा देखेंगे। द ओशन हैव अ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो इन एरिया के जो क्लाइमेट होते हैं उसके ऊपर डायरेक्टली ओशन के इफेक्ट पड़ते हैं। ओशन वाटर इज नेवर स्टील, इट मूवमेंट कैन बी कैटेगराइज एज अ वॉटर वेव, टाइड्स एंड करेक्ट। अब ओशन का जो पानी होता है तो वो भी एक जैसे नहीं रहेगा, तो ये कंटिन्यूअसली जो है वो फ्लो करते रहता है, और इनके फ्लो करने को ही हम क्या कहते हैं, वेव्स, टाइड्स एंड करेंट्स। अब वेव्स, टाइड्स एंड करेंट्स क्या होते हैं इसको अभी हम समझेंगे, लेकिन आप क्लियरली समझ सकते हो कि मूवमेंट क्या होता है, कि उस पानी की धार का चलना, ठीक है। तो उसके चलने को ही हम मूवमेंट कहेंगे, और ये मूवमेंट अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, इनके फॉर्म को हम धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। और ये जो मूवमेंट्स होते हैं ये किस वजह से होते हैं, तो जो मतलब ये सारे मूवमेंट आर कॉज ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से, है ना, प्रिवेलिंग विंड्स के वजह से, हवा के झोंके से भी ये फ्लो करते जाते हैं। जैसे हवा चलती है तो पानी ऐसे उछलता हुआ आपको नजर आता है ना, तो यही सारी चीजें। तो सबसे पहला वाला जो इसका क्या टाइप है वो है वेव, ठीक है। और वेव आप आए दिन देखते होंगे कभी, जो नेचर के बहुत ज्यादा क्लोज है, जैसे मुझे बहुत पसंद है कि अगर कभी मुझे ऐसा प्लेस मिल जाए जहां पे मैं घंटों बैठ करके पानी के नदी के किनारे उसे देख लूं, ठीक है, तालाब, नदी, जो भी सोर्स आपको अवेलेबल हो, तो वहां हम देखते हैं कि ऐसा पानी जो है ना वो आता है, फिर उछलता है, थोड़ा ऐसे निकलता है और वो धारों के साथ निकलता है, ठीक है। तो आप वहीं से एक चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब पानी मतलब हवा चलती है तो हवा के साथ में वो पानी की दिशा जो है उसी बहाव में बहते रहती है, ठीक है। तो ये जो धारा होती है कि पानी थोड़ा हाइट पे जाता है, नीचे आता है, तो इट इज कॉल्ड वेव्स, ठीक है। मतलब द व्हेन द सरफेस सरफेस वाटर ऑफ ओशन राइजेस एंड फॉल्स अल्टरनेटली दे आर कॉल्ड वेव्स, कि वो थोड़ा ऊपर होता है, थोड़ा नीचे। और ये, और आपने एक चीज भी बहुत अच्छे से नोटिस की होंगी कि जब हम वहां पर बैठ के शांति से देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि पानी किस दिशा में वेव कर रहा है, ठीक है। मतलब जिस ऐसा लगता है कि पानी ना इधर कंटिन्यूअसली चल रहा है, और वो उसका एंड ही नहीं आता कि भाई पानी इतना चल रहा है तो वो खत्म क्यों नहीं हो रहा है। पर एक्चुअली होता ये है कि पानी जो है वो ऐसे स्लो मूवमेंट पे रहता है और वहीं की वहीं ऐसे ऊपर नीचे उछलता हुआ रहता है, तो हम उसको सोचते हैं कि वो बहुत स्पीडली प्रोसेस हो रहा है वहां पे, क्लियर। अब ये क्यों होता है, क्योंकि जो हवा आती है तो वो हवा को पुश करती है, ठीक है। दीज आर कॉज बाय द एक्शन ऑफ विंड विच पुशेज द वॉटर इन अप एंड डाउन मूवमेंट, ठीक है। वो हवा को अप एंड डाउन मूवमेंट जो है वो उसको चेंज करते रहती है, उसको पुश करते रहती है। और जो पानी की दिशा होंगी वो क्या होंगी, वेव ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, जिस दिशा में हवा जा रही है उसी दिशा में पानी भी जो है वो ट्रेवल करते रहेगा। द शेप एंड हाइट ऑफ द वेव्स डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द विंड। अब जो वॉटर का शेप होगा, ये जो वेव है इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, जिस दिशा मतलब जो वेव की विंड की जो स्पीड है, ठीक है, टोटली मतलब इसका जो ये जो आकार है, जो साइज है इसका, इसकी जो हाइट है कि ये कितनी हाइट तक के उठ रहा है, तो बोथ आर डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द विंड, ठीक है। मतलब हवा की जो स्पीड होती है उसी के ऊपर इसकी ये हाइट भी डिपेंड करेंगी, और इसकी ये जो लेंथ है वो भी उसी के ऊपर इसका डिपेंड करने वाला, ये जो शेप है वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है। अ लाइट ब्रिज प्रोड्यूस जेंटल वेव्स। अब क्या होता है कि जो एकदम लाइट वेव्स होती है, मतलब क्या कहना चाहिए, जेंटल वेव्स, या जो एकदम कम हवा होती है, जो हल्की सी हवा आती है, तो उससे क्या होता है, हल्की हल्की वेव्स होती है। लेकिन जब बहुत तेज हवा आती है तो ये बहुत ज्यादा तेज रूप में, मतलब जो हमारी धाराएं है वो एकदम तेज स्पीड में बहती है, ठीक है। और इसके वजह से क्या होता है, बहुत सारे हमारे पास में डिस्ट्रक्शन जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, ये मतलब किसी न किसी तरीके से हानि पहुंचाती है। जब आप समुद्र के तट पे खड़े हो और वहां पर लोग जा कभी नहीं किया है, ठीक है, बस टीवीज में देखा हुआ है, तो क्या होता है, ऐसी धारा आती है फिर चले जाती है, फिर धारा आती है तेज आ चली जाती है। तो ये क्यों होता है कि जैसे जैसे जो हवा आती है तो हवा उसको ऐसे लेकर के आती है फिर चले जाती है, ठीक है, फिर लेके आती है फिर चले जाती है। तो इस बार इनसे कई बार ऐसा होता है कि जब वो जो स्पीडली हवाएं आती है और स्पीडली जो वेव्स बनाती है, क्रिएट करती है, तो उससे मतलब उस एरिया में रहने वाले लोगों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उसका उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और जब यही ये जो हाई स्पीड वाले वेव्स आते हैं तो इसी को हम कहते हैं सुनामी,
ठीक है, सुनामी कॉज बाय अर्थक्वेक एंड क्या वॉलनिक इरप्शन ऑन द ओशन फ्लोर, कि अब जो ओशन फ्लोर होते हैं अगर वहां पे कभी सुनामी आ रही, सॉरी अर्थक्वेक हो रहा है, वॉलकैनिक इरप्शन हो रहे हैं, तो उसके कॉज से यहाँ पर क्रिएट होते हैं क्या, मतलब एकदम तेज वाली जो धाराएं होती है वो आती है, जैसे कि यहाँ पर सुनामी है, ये वाले जो ये जो सरफेस है ओशन वाला, यहाँ पे मतलब क्या आती है, वॉलकैनिक इरप्शन होते हैं या अर्थक्वेक होता है, तो उससे ये जो धारा है वो बहुत उछलेंगी, मतलब बहुत स्पीडली, देखो ये आ रही ना हाइट पे बहुत ज्यादा, तो ये जो हाई स्पीडली वेव्स होती है इसी को हम सुनामी कहते हैं, ठीक है। दीस वेव ट्रेवल एट अ ग्रेट स्पीड एंड कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज ऑल अमंग द कोस्टल रीजन वेयर दे आर स्ट्राइक। अब जितने भी एरिया में वेव्स का इफेक्ट मतलब एरिया में पहुंचती है तो वहां तक ये बहुत ज्यादा डैमेज भी कर लेती है, मतलब इसके सराउंडिंग एरिया में जितने लोग आ रहे हैं, जितने प्लेसेस आ रहे हैं, तो हर जगह ये उनको डैमेज कर देती है। और ऑब्वियसली बातें हैं कि कोई भी चीज एक लिमिटेड स्पीड में हो तो वो सहन करने योग्य होती है और वो सही होती है, लेकिन जब भी स्पीड बढ़ जाती है तो वो डैमेज कर ही देती है, ठीक है। अब सुनामी क्या होता है, द किलर वेव्स, तो सुनामी जो है इसका मतलब होता है, दो सुनामी का वर्ड का मतलब है, एक तो तू सू तो सो सॉरी तसो, ये इसको ऐसे पढ़ेंगे आप इसे, एंड हार्बर मीन्स नामी, ठीक है, इसका मतलब ये वो वेव्स जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दे और बहुत ही स्पीडली में आती है, ठीक है। हार्बर एंड वेव्स मतलब एक हानिकारक वेव्स भी बोल सकते हो, सॉरी आई कांट एक्सप्लेन यू, इट मीन्स यूज टाइडल वेव्स, दीज वेव आर नोन ऑल्सो एज हार्बर वेव्स, क्योंकि ये मतलब देखो हार्बर वेव्स इसलिए कहा है क्योंकि इसी के किनारे मोस्ट ऑफ वहां पर इफेक्ट पहुंचाते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा कि सुनामी जो है वो उसी एरिया को इफेक्ट करती है जिस मतलब देखो सुनामी एकदम हाई स्पीडली आई, एक धारा आई और ये इसके आसपास के को इफेक्ट करती है और उसके आसपास का एरिया क्या हो जाता है, हार्बर, तो ये हार्बर वेव्स भी इसको हम कह सकते हैं। अब हार्बर वेव्स आती क्यों है, जस्ट हमने पहली वाली स्लाइड में पढ़ा है कि जो सरफेस होता है वॉटर, अगर वहां पर या ओशन बॉडी जो है वहां पर अगर वहां पर अर्थ हो रहा है, ठीक है, अर्थक्वेक हो रहा है, ये वॉल्केनिक हो रहे हैं, तो उसके वजह से देखो जो लैंड वाला एरिया है वहां पर ये सारी चीजें होती है, तो क्या होता है कि ये सीधे आता है मतलब निकलता है और यहाँ पर ये सब लावा जो है वो जमा हो जाता है और ये एक एवरेस्ट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, माउंट क्लियर क्लियर बना लेते हैं, ठीक है। अब वहां पर क्या होता है, तो ये पानी को भी उठा के मतलब जो भी चीज इसके ऊपर रखी हुई होंगी तो उस चीज को भी उड़ाएंगे, ये उठेगा, तो जब इसको चीज को उठा रहा है तो ये क्या होगा, यहाँ पर वो हाइट पे वो पानी की धारा उठ जाएंगी, इसे एकदम हाई वेलोसिटेड वाली जो वाटर वेव्स है वो क्रिएट होती है, तो जब भी वाटर बॉडीज में अर्थक्वेक आ जाए, इरप्शंस होते हैं अंडर वाटर, मैसिव एक्सप्लोशंस होते हैं, तो वहां पर ये सुनामी जो है वो क्रिएट होती है। क्लियर, आई होप आपको इस सुनामी का समझ में आया होगा कि सुनामी एक्चुअल में क्या होती है और किस तरीके से ये इफेक्ट करती है, ठीक है। इफेक्ट किस तरीके से करती है ये आपको इसे लिख करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सुनामी के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके से ये डैमेज करती है प्रॉपर्टी को, है ना। फिर उसके बाद में अगर एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल रिसेंट वाला दिसंबर 2004 को एक सुनामी आती है इंडियन ओशियन पे, ठीक है, जो कि सुमात्रा अंडमान अर्थक्वेक, ठीक है, ये क्या होता है, देखो ऑन दिसंबर 26, 2004 अ बैडली सुनामी डेडली सुनामी सॉरी ऑक्यूर्ड इन द इंडियन ओशियन ड्यू टू एन द सुमात्रा अंडमान अर्थक्वेक अर्थक्वेक, ठीक है, ये अर्थक्वेक की वजह से होती है। इट्स ईपी सेंटर वॉज द वेस्ट कोस्ट कॉल्ड द सुमात्रा इन इंडोनेशिया, ये यहाँ पर भी, ये जो इंडोनेशिया वाले एरिया में, यहाँ पर जो इंडियन ओशियन है, तो इंडियन ओशियन में जो इंडोनेशिया वाले एरिया, वहां पर ये अर्थक्वेक के वजह से ये सुनामी क्रिएट होती है। और हमने कॉजेस तो पढ़ लिए कि किस वजह से ये क्रिएट होती है, अर्थक्वेक हो गया, वेल्केनिक इरप्शन हो गए, तो यहाँ पर ये वाली किसकी वजह से होती है, इंडोनेशिया जो सुमात्रा है वेस्ट कोस्ट वहां पर, तो उसको वहां पर ये अर्थक्वेक की वजह से क्रिएट होती है। अब नेक्स्ट वाला टाइप आता है हमारे पास में जो वेव है उसका, वो है कौन सा, टाइप। अब टाइड्स क्या कहलाती है, ठीक है, तो भाई टाइड्स एक्चुअल में क्या होते हैं, तो टाइड जो है वो भी एक फॉर्म है जिसमें वाटर जो मूवमेंट होता है, ठीक है। वेव्स में हमने क्या देखा कि वेव्स जो है वो इस तरीके से चलती है, इस तरीके से धाराएं जो है वो बहते रहती है, बट टाइड्स में डिफरेंट क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, जितनी भी वेव है मतलब जो वाटर वेव है तो वो एकदम से उछलती है, नीचे आती है, फिर जाती है, मतलब एक बार पूरा पानी जो है वो पूरा ऊपर उठता है और फिर दूसरा टाइप में वो नीचे होता है, तो ये सेम प्रोसेस चलती है दिन में 2 बार, ठीक है, ट्वाइस अ डे, इट इज कॉल्ड
टाइड ठीक है, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशियन वाटर एट रेगुलर इंटरवल, मतलब वो समय समय पर दिन में अपने टाइम के अंतराल में क्या करती है, वो नीचे उतरती है ऊपर चढ़ती है, और ये दिन में दो बार प्रोसेस होती है, तो इसी को हम टाइड्स कहते हैं। मतलब कैसे कि एक बार बहुत ज्यादा ऊपर उछलेंगी और फिर दूसरे जो है वो नीचे आएंगी, और इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है कि आप कहेंगे कि अब बोल सकते हैं कि हम जो क्या होगा कि वेव की ही एक हाई वेलोसिटी वाली चीज दे दे, तो नहीं, वो वाली जब आती है तो हम उसको सुनामी कह देते हैं, लेकिन टाइड जो है वो पर डे होती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होती है, और इसका क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी हम धीरे धीरे देखते हुए चलते हैं। देखो अब ये वाली क्या होते हैं, मतलब जो टाइड्स होते हैं ये हम कहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मतलब नॉर्मली हम नदियों में तो नहीं देख पाएंगे, इसको ओशियन और सीज में ही हम देख पाएंगे। तो ये क्या होता है, व्हेन द लेवल ऑफ सी वाटर राइजेस इट इज हाई टाइड, मतलब जब वो उठ जाता है, मतलब ये जो सी वो लेवल जो है, मतलब द लेवल ऑफ सी वाटर राइजेस जब वो उठता है तो उसको हम हाई टाइड कहते हैं, और जब वो नीचे होता है व्हेन द लेवल फॉल्स इट इज स्लो टाइड, लो टाइड ठीक है। मतलब ये हो गया आपके पास में हाई टाइड, और ये जो नीचे आता है इट इज लो टाइड, मतलब ऊपर नीचे आप इसके डेफिनेशन से ही समझ सकते हो ठीक है। अभी क्यों होता है, तो भाई ये जो है मून और सन के जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है इसके कॉज से होता है ठीक है। मतलब सन और मून का भाई इसमें क्या खेल होगा, तो आपको पता है कि यहाँ पर सन है और इसके अराउंड घूम रही है कौन, हमारी अर्थ, पर हमारी अर्थ घूम रही है, तो हमने इसको अर्थ को रखा, और फिर इसके अराउंड हम किसको घुमाएंगे, हम इसके अराउंड घुमाएंगे इसके अर्थ के आजू बाजू घूमेगा, और अर्थ जो है वो किसके आजू बाजू घूमेंगी, सन के। तो अब हमारे पास में जो रिलेशन बिटवीन किसके बीच में बैठ रहा है, सन एंड मून के, तो इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उसके वजह से टाइड जो है वो राइज होती है पर डे ठीक है, और हर दिन में ट्वाइस अ डे जो है वो क्रिएट होती है। अब ये कैसे, तो उस प्रोसेस को भी हम समझ लेते हैं। एज द मून इज क्लोजर टू द अर्थ, देखो अब क्या होता है, जब मून क्या होता है कि एकदम अर्थ के क्लोज होता है ठीक है, क्लोजर टू द अर्थ है, तो इस इट ग्रेविटेशनल पुल कॉजिंग हाई टाइड्स ठीक है। तो अब ये किसके, सन के पास में, मतलब देखो अर्थ, मतलब हमारे अर्थ के पास में ग्रेविटेशनल फोर्स है, वी ऑल नो इट ठीक है, तो अब ये इसके पास में ग्रेविटेशनल फोर्स है को समझ सकते हो। तो क्या होगा कि जैसे ही वो बहुत ज्यादा पास में आता है, तो उसके पास में क्या होता है कि सन के जो अर्थ और मून पास पास आ गए हैं, तो इसके पास में बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो ये ग्रेविटेशनल से हाई टाइड जो है वो क्रिएट होते हैं ठीक है। द हाइट ऑफ टाइड्स डिपेंड अपॉन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ सन एंड मून विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ। अब जो इनके बीच की, मतलब जो भी टाइड्स की जो हाइट्स होती है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, वो सन और मून की जो रिस्पेक्ट में इन दोनों की जो पोजिशन होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे ये वाले इसमें देख लो, यहाँ पर ये अर्थ है, ये न्यू मून आ गया, यहाँ पर ये इसके मून इसके अराउंड में घूम रहा है, ये सन हो गया। सन एंड मून अलाइन फोर्सेस कंबाइन टू गिव स्प्रिंग टाइड्स ठीक है। स्प्रिंग टाइड क्या होता है कि जब सन मून और अर्थ जो है वो तीनों एक ही लाइन में सिचुएटेड होते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन देख लो कि तीनों के तीनों एक लाइन में है, दिख रहे हैं यहाँ अर्थ है, यहाँ मून है और यहाँ पर सन है, तीनों एक साथ में है, जब ये एक ही लाइन में होते हैं कंबाइन होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्रिएट होता है स्प्रिंग टाइड्स, और ये इंपॉर्टेंट है याद रखना है ठीक है। देखो ये वाली कंडीशन में भी यही हो रहा है, सन अर्थ मून, मतलब बस इतना हो रहा है कि एक साइड में इधर यहाँ मून आ रहा है और एक इसमें इधर मून आ रहा है ठीक है, बट डजंट मैटर, बट वो एक रो में है, तो ये वाले क्या होता है स्प्रिंग टाइड्स होते हैं, बस अलग अलग एरियाज में आ जाते हैं ठीक है। फिर एक क्या होता है, ये वाली कंडीशन देखो, यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर एक बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, देखो यहाँ पर मून है, यहाँ अर्थ है और यहाँ पर सन है, और सिमिलरली यहाँ पर भी इस कंडीशन में भी ऐसा ही बन रहा है ठीक है। स्प्रिंग जो टाइड्स होते हैं वो एकदम हाईली वेलोसिटेड होते हैं ठीक है, मतलब ये ज्यादा ग्रेविटेशनल होते हैं, तो ये हाई टाइड्स होते हैं। अब ये जो 90 डिग्री के एंगल में बन रहा है, मतलब मून यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, मतलब ये फर्स्ट क्वार्टर में होता है ठीक है, ये क्या है, मतलब फर्स्ट क्वार्टर जो होता है मंथली उसमें होता है, तो ये मून यहाँ पर आ गया, अर्थ यहाँ पर आ गया और सन यहाँ पे आ गया, सिमिलरली यहाँ पर भी ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ पर बनते हैं नीप टाइड्स ठीक है। अब ये 90 डिग्री के एंगल में है, तो यहाँ पर जो टाइड्स बनते हैं उसको कहते हैं नीप टाइड्स, या यू कह ले कि ये जो लो टाइड होते हैं ना, मतलब इनकी इतनी ज्यादा हाइट्स वगैरह नहीं होती है, तो यहाँ पर क्रिएट होते हैं लो टाइड्स। मैंने आपको विथ डायग्राम समझा दिया है। ड्यूरिंग फुल मून एंड न्यू मून डेज ठीक है, अब ये जो हमने एक लाइन में रखा था, तो वो क्या होता है, न्यू जो फुल मून होते हैं और न्यू मून क्रिएट होता है। देखो हमारे मंथ एंड में क्या होता है, एक होता है फुल मून, पूर्णिमा वाले पे पूरा क्रिएट हो जाता है, और इसी के नेक्स्ट डे से क्या होता है हमारे पास में न्यू मून डे शुरू हो जाता है।
सॉरी सॉरी, इसके अगेंस्ट देखो, यहाँ से शुरू होते हैं न्यू मून, एक न्यू मून बनता है और यहाँ से बनते बनते यहाँ पर एक फुल डे हो जाता है, तो इसके बीच में, तो ये वाले इसमें क्या होता है, सन मून और अर्थ जो है वो एक ही लाइन में होते हैं, जैसे कि अभी जस्ट ये वाली पिक्चर में आपने देखा कि तीनों की तीनों जो है वो एक लाइन में है, ये वाली देखो ये तीनों एक लाइन में है, ये भी तीनों एक लाइन में है, तो ये वाला जो मतलब यहाँ पर जो टाइड्स होते हैं उसको हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स, जो बता दिया। फिर क्या होता है, अब फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर जो होते हैं, मून इज इन द फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, द सन एंड मून आर राइट एंगल्स एंड वाटर गेट्स ड्रॉ डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन। अब वहां से वाटर क्या होता है कि इसमें वो क्या होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बहना शुरू है, और इसके रिजल्ट से आता है लो टाइड्स, ठीक है, मतलब जो लो टाइड्स होते हैं वो इसके रिजल्ट से क्रिएट होता है, उसको हम कहते हैं नी टाइड्स, मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री के एंगल में आ जाते हैं। तो आई होप आपको स्प्रिंग टाइड्स एंड नी टाइड्स बहुत अच्छे से समझ में आया हो। मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ ताकि आपको बार बार समझने की मतलब वो कंफ्यूजन जो क्रिएट होते हैं वो होंगे ही नहीं। स्प्रिंग टाइड, जब सन मून एंड अर्थ तीनों एक लाइन में हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्रिएट होते हैं स्प्रिंग टाइड्स। ओके, फिर क्या होता है, जब सन मून एंड अर्थ, ठीक है, ये एक राइट एंगल में सिचुएटेड हो, तो यहाँ पर होता है कि पानी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में निकलना शुरू हो जाता है और यहाँ पर बनते हैं लो टाइड, और इन्हीं लो टाइड को हम कहते हैं नीप टाइड्स। क्लियर, एकदम इजीएस्ट वे में समझाया है, बहुत सारी कोई खिचड़ी नहीं पकी हुई है, और उम्मीद मैं आपसे यही करूंगी कि आपको ये चीज जो है वो समझ में आई होगी। अब टाइड्स हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो टाइड जो है वो आपको नेविगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, फिशिंग के लिए है, ट्रेड के लिए है। हाई टाइड हेल्प द शिप टू इंटर और लीव द हार्बर्स इजिली। अब ये क्या करते हैं, हार्बर्स जो होते हैं मतलब जो बंदरगाह जहां पर टाइड्स आते हैं, तो हाई टाइड्स होते हैं, तो वो क्या मदद करते हैं कि वो बंदरगाह पर इजीली उतर जाए और वहां से वापस वो पानी में एंटर कर मदद करते हैं। अब फिशिंग में कैसे वो होगा, अच्छा देखो ये हाई टाइड इसमें मदद कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब हार्बर्स पे इजीली आना जाना हो रहा है तो इनडायरेक्टली ये ट्रेड को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ट्रेड को और कैसे सपोर्ट करेंगे, फिशिंग से। जैसे ही हाई टाइड जो है आते हैं, ठीक है, पानी का दबाव बह के आ रहा है, तो अंदर से जितनी भी मछलियां होती है वो पर आ जाती है, ठीक है। अब ये यहाँ पर आ जाती है तो जितने भी फिश करते हैं प्लेंटीफुली फिशेस को, तो ये फिशिंग में भी इस तरीके से हेल्प करते हैं। अब ये हाईली वेलोसिटी वाली चीजें होती है ना, मतलब क्या होता है, ये जब आते हैं तो इनसे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं, है ना। टाइड ऑल्सो हेल्प टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये यहाँ पर भी आपको मदद करती है। एज अ सी वॉटर गशेज इन ड्यूरिंग अ हाई टाइड, इट जनरली इट्स एनर्जी कैन बी टैप्ड एंड यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया इज एट टू स्टार्ट यूटिलाइजिंग टाइडल एनर्जी। अब इंडिया जो है वो भी स्टार्ट कर रही है टाइडल एनर्जी को यूज करना, वो एनर्जी था सॉरी, मैं जनरली पढ़ गई उसे, तो आपको इसके सारे यूजेस भी पता है, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ पे दो समझ में आ गई होंगी। एक तो आपका वेव्स, ठीक है, वेव्स क्या होता है, जब हाईली वेव्स होती है तो हम उसको सुनामी में डाल देते हैं, ठीक है, वो एक टर्म क्लियर हो गई। उसके बाद में हमारे पास में सेकंड टर्म क्या थी, टाइड्स की, और टाइड्स क्या होते हैं ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हमारे पास में इसी डिक्शनरी में एक और वर्ड आता है और वो वर्ड है करेंट्स। अच्छा, तो उससे पहले टाइट में आपको ना थोड़ा सा डिफिकल्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सन मून इन चीजों को खेल लेते हैं, तो सिंपली मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करूंगी कि टाइट्स में आपको बहुत ज्यादा टफ कुछ भी नहीं है, वो वेव की तरह है। आपको ये बताना है कि क्या होता है, टाइड्स अ डे जो है वो एकदम फॉल होती है, डाउन होती है, इट इज कॉल्ड टाइड्स, ठीक है। अब टाइड्स की वजह से होती है, तो वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड मून, क्लियर। फिर उसके बाद में आपको बताना है एक लाइन में जब तीनों सिचुएटेड होते हैं सन मून एंड अर्थ, तो वहां पर क्या होता है, हाई टाइड होता है, स्प्रिंग टाइड्स आ जाते हैं, और जब वो राइट एंगल में होते हैं, ये तीनों चीजें जो है वो राइट एंगल में है, तो वहां पर नीप टाइड्स आ जाते हैं, ठीक है। अब जो थर्ड टर्म है करेंट्स की, ठीक है, ओशियन करेंट्स, अब हम उसको पढ़ते हैं। अब ओशियन करेंट्स क्या होता है, देखो जब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, जो पानी है वो हॉरिजेंटल मूव करता है, तब हम उसे ओशियन करंट कहते हैं। द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम इन अ डिफाइनाइट डायरेक्शन इज कॉल्ड ओशियन करंट। मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में वो इन स्ट्रीम्स में वो ट्रेवल कर रहे हैं हॉरिजेंटल, तो आप उसे क्या कहने वाले हो, आप उसे ओशियन करंट। जैसे कि यहाँ पर देखो हॉरिजेंटली वो एक
रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये देखो ये सीधी सीधी डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम इसको ओशियन करंट कहते हैं। अब ओशियन करंट दो टाइप के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, एक तो वार्म वार्म और एक कोल्ड, कोल्ड ही है ना, हाँ ओके, कोल्ड वाटर। तो एक सेकेंड, द फैक्टर विच राइज टू ओशियन करंट एंड मॉडिफाई देयर कोर्सेज आर, तो अब चीजें ओशन करंट को क्रिएट करने में वो सपोर्ट करती है, तो एक्शन ऑफ प्लेनेटरी विंड्स विंड्स जो है वो हर जगह आपको मदद करेंगी ही करेंगी यहाँ पर। फिर जो टेम्परेचर होता है, वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, तो ये दोनों भी इसको मतलब सपोर्ट करती है। रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ, अब आप कहोगे कि पानी के बहने का रोटेशन ऑफ द अर्थ से क्या मतलब है, तो भाई ये नेचुरल प्रोसेसेस सब एक दूसरे से इफेक्ट करती है, जैसे कि सन मून और जो अर्थ है वो एक वे में था, तो किस तरीके से पानी जो ओशियन वो रिटर्न होने लग रहा था, ठीक है। अब ये इसलिए इफेक्ट करती है, वो पॉइंट में आप देखो, अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर ही तो ओशियंस बने हुए हैं, ठीक है, अर्थ के ऊपर ही आपके ये ओशियंस बने हैं। यहाँ पर पैसिफिक है, ये इंडियन प्लेट है, ये आर्टिक अटलांटिक है, यहाँ पर आर्कटिक है, यहाँ पर साउथन है, तो भाई जैसे जैसे अर्थ का मूवमेंट चेंज होता है तो इनके इसमें भी कुछ कुछ फर्क पड़ते हैं, और जैसे ही ऐसे ट्राइंगल में आते हैं तो ये जो पानी है वो उल्टी डायरेक्शन में बहना शुरू हो जाता है। अगर आपको यहाँ पे अभी भी डाउट होगा तो जिस तरीके से मैंने आपको ग्लोब एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ बॉल, है ना, प्लास्टिक टेनिस बॉल के थ्रू चीज कर सकते हो आप, बॉल को रोटेट करो और वहां पर मतलब कोई सिंबल बना लो, ठीक है, बॉल के ऊपर आप वहां पर मतलब बनाते जाएंगे, और जब आप उसको रोटेट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो उस ओशियन की जो पोजीशन है वो चेंज होते जा रही है, तो आपको रोटेशन ऑफ द अर्थ वहां पे समझ में आ जाएगा। फिर जो कोस्ट लाइन है उसके शेप भी यहाँ पर इफेक्ट करते हैं, और वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आ जाता है। अब ओशियन करंट में भी वार्म और कोल्ड, अब ये वार्म भी हो सकते हैं और कोल्ड भी हो सकता है, आप किसके किस तरीके से डिपेंड करेंगे। देखो, दूस करंट विच ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड द पोल करंट आर वार्म वाटर। अब क्या होगा कि जो पोल्स पर, देखो ओरिजिनेट इक्वेटर मतलब करंट विच ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर और मूव टुवर्ड द पोल्स, अब ये इक्वेटर पे हो रही है और ये पोल्स के इधर उधर जो जा रही है, तो ये वाली क्या कहलाती है हमारे पास में, ये कहलाती है वार्म वाटर, ठीक है, वार्म करंट्स। देखो ये यहाँ पर इक्वेटर से स्टार्ट हुई और ये पोल्स की ओर जा रही है, ठीक है, ये सेंटर आ गया और ये पोल्स की ओर बह रही है, तो ये देखो रेड वाली जो दिख रही है आपको, तो ये क्या कहलाती है, वार्म, इक्वेटर से हुई और पोल कर रही है, तो ये कहलाता है हमारा वार्म वाटर करंट, ठीक है। फिर कोल्ड वाला क्या होता है, कोल्ड क्या करता है, पोल से लैटिट्यूड्स की तरफ जाता है, ठीक है, द पोल्स टुवर्ड द ट्रॉपिक्स और लोअर लैटिट्यूड्स, ठीक है, ये देखो ये है पोल से, यहाँ पर पोल्स आ गए, तो पोल से ये इधर निकल रहा है, तो इसको हम कहते हैं कोल्ड वाटर करंट, ठीक है, या कोल्ड करंट या कोल्ड वाटर करंट कहेंगे। अब जो वार्म वाटर होता है आर लेस डेंस देन द कोल्ड करंट, ठीक है, ओशन करंट, अब इनके पास में वार्म को के पास लेस होता है डेंस, ठीक है। जनरल सर्कुलेशन ऑफ ओशन करंट इज क्लॉकवाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब ये तो भाई हमारा कॉमन सेंस वाली चीज है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो कंटिन्यूअसली रोटेट हो रही है। अब रोटेट हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास में जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है वहां पर ये क्लॉकवाइज जाती है, ठीक है, यहाँ पर जो वो वेव्स बह रही है, देखो सबसे पहले मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी, ठीक है, तो वो उसी करंट की है, देखो यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, ये देखो ये वार्म वाटर जो जा रही है, तो ये ऐसे है, इधर ये ऐसी है, फिर जो इधर से इधर आ रही है ये जो ब्लू वाली है, तो ये हमारी कोल्ड वाली है, मतलब ब्लू वाली जो है वो पोल से इधर बीच में आ रही है और जो वॉर्म वाली है वो अंदर से बाहर आ रही है। क्लियर? देखो मैं एक बार फिर से समझा दूं, यहां पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा कोल्ड और वॉर्म का। देखो कोल्ड में हमने क्या पढ़ा था, कोल्ड जो है वो सेंटर से मतलब क्या हो रही है, वो पोल्स की तरफ जा रही है, तो देखो ये सेंटर से पोल्स की तरफ, इक्वेटर से ये पोल्स की तरफ आ रही है, ठीक है, तो ये हमारा वार्म हो गया। कोल्ड क्या होता है, कोल्ड बाहर से अंदर की ओर आता है, ये आ रहा है तो इट इज कोल्ड। अब क्या होता है कि यहाँ पर ये जो करंट जो इनके सर्कुलेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, जो पोल साइड है मतलब जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर है, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर हो गया, तो यहाँ पर ये क्लॉकवाइज होते हैं, ठीक है, ये ऐसे क्लॉकवाइज होंगे,
ऐसे होंगे, लेकिन जब नॉर्थन में आते हैं, साउथन में आते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाते हैं। तो ये कॉमन सेंस है कि ये हमारी रोटेशन ऑफ द अर्थ है, इसकी वजह से ये चीजें हो रही है। ठीक है, अब जो ओशन करेंट्स होते हैं, इसका भाई बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, इन्फ्लुएंस्ड होती है ये हमारे क्लाइमेट पे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन एरिया, उस एरिया की इकोनॉमिकल एक्टिविटी भी इन चीजों से इफेक्ट होती है। तो गाइज इतना सब सारी चीजें थी हमारे वाटर वाले सेगमेंट में, मतलब आपको एक चीज तो क्लियर हो चुकी होंगे कि वाटर में भी हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है। मैं एक बार आपको फटाफट रिवाइज कर दूं कि हैं, तो देखो जैसे कि सबसे पहले तो होनी चाहिए, आपको पता है वाटर क्या है, कहाँ से आता है। ठीक है, हमने वाटर साइकिल पढ़ लिया। अच्छा, वाटर का केमिकल नेम सबको पता है, H2O होता है, क्लियर। हाँ, ये तो भाई आपको पता ही होगा। वाटर साइकिल देखा कि कैसे जो एवेपोरेशन के थ्रू ऊपर जाता है, फिर वो वापस इन द फॉर्म ऑफ आइस और स्नो और वाटर जो है वो वापस हमें मिलता है, तो हमने वाटर साइकिल भी यहाँ पर पढ़ा। फिर जो वाटर बॉडीज होती है, मतलब जो हाइड्रो हमने पढ़ा, ठीक है। फिर कंजर्वेशन, जो कि मैंने आपको आपके लिए छोड़ दिया था, ठीक है, कि आप उसे खुद आंसर राइट करेंगे। फिर उसके बाद में हमने जो इसकी स्पीड होती है, जो वाटर के मूवमेंट वो पढ़े, और इन मूवमेंट में हमने तीन टर्म्स पढ़ी है, ठीक है। एक तो वेव वाली टर्म, दूसरी हमने टाइड्स पढ़े हैं, और वेव हमने सुनामी को पढ़ा है, और थर्ड जो टर्म थी वो थी हमारी करंट की। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सारी की सारी जो टर्म्स है वो आपको समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है, उम्मीद तो यही है। तो तब तक के लिए ठीक है, आप रिवाइज करिए जल्दी से, हम आते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर वाला।